नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो चुका है मारू राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए बताते चले कि झुंझुनू के खेतड़ी कोलिहान खदान हादसे में करीब 13 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और फंसे हुए सभी लोगों के पास रेस्क्यू की टीम पहुंच चुकी है। बताया ये जा रहा है कि सभी अधिकारियों को बाहर लाने की कोशिशें लगातार तेज है। प्रीतम, एके शर्मा और हंसीराम को बाहर निकाल लिया गया है, उनका प्राथमिक उपचार किया गया और तीनों को जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। कोलिहान खदान में फंसे सभी लोग सकुशल बताए जा रहे हैं। कल लिफ्ट का पट्टा टूटने के कारण खदान में फंसी थी ये विजिलेंस की टीम। बताते चले कि राजस्थान में हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड में जहां 13 मई से निरीक्षण का काम चल रहा था, तो वहीं कोलकाता से आए अधिकारी निरीक्षण करने के लिए ही कल यानी कि 14 मई को सीधे रात में, मतलब वो नीचे जो 577 फीट जो गहरी खदान है वहां पहुंचे थे और उसके बाद लिफ्ट का तार टूट गया और वो सभी अधिकारी फंस गया। तभी से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर लगातार हमारे संवाददाता कृष्ण जुड़े हुए हैं। कृष्ण, अभी क्या अपडेट देंगे? और सभी सकुशल बताया जा रहा है कृष्ण, लेकिन बाकी बचे अधिकारियों को बाहर कब तक निकाला जाएगा? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो रेस्क्यू दल के साथ गए थे डॉक्टर परवीन, वो बाहर आए हैं और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि जो 14 लोग फंसे हुए थे वो सभी के सभी सकुशल है और जो खदान का जो जीरो पॉइंट है वहां पर उनको लाया गया है। पहले चरण में जो लोग रेस्क्यू करके लाए गए हैं उनके इंजरी ज्यादा थी और जो पहले चरण में रेस्क्यू करके लाए गए हैं उनमें कोलिहान खदान प्रभारी एके शर्मा है और मैनेजर प्रीतम और एक जो हंसीराम है उनको रेस्क्यू करके लाया गया है और उनको प्राथमिक उपचार के बाद है वो जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल के लिए है वो रेफर किया गया है। यहाँ पर जो परिजन है वो लगातार डटे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, कौन है आपका परिचित? मैं यहाँ की CMO हूँ, KCC हॉस्पिटल की। तो क्या कुछ अपडेट? एक मिनट। हाँ जी सर, तो लगातार जो अधिकारी हैं वो भी अपडेट ले रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो अभी जो एम्बुलेंस है वो खदान के गेट के बाहर है, वो तैनात कर दी गई है। साथ ही जो पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं वो भी अलर्ट पर हैं और यहाँ पर एक जो टीम है वो भी लगातार अपडेट ले रही है और एम्बुलेंस कर्मी है वो भी बातचीत कर रहे हैं। शायद इनको अंदर से कोई इनपुट मिला होगा और उसके बाद जो यहाँ जो एकाएक जो है गतिविधि है वो बढ़ी है, इनसे बातचीत करने की और भी कोशिश करते हैं क्योंकि अंदर से कुछ अधिकारी हैं वो भी बाहर आए हैं। क्या कुछ स्थिति है सर अंदर, क्या कुछ अपडेट है? अभी हमें कोई आइडिया नहीं है इसका। जो भी अंदर से हैं वो आ रहे हैं, साथ ही कुछ स्थानीय जो यहाँ के जो जिनके परिचित जो अंदर फंसे हुए हैं वो रात भर से यहाँ डटे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप रात से यहाँ डटे हुए हैं, कौन अंदर है, किस तरह का क्या अपडेट आपको मिल रहा है? सब सही है, ठीक है, आ रहे हैं ऊपर। तो यहाँ खदान प्रशासन की ओर से क्या कुछ अपडेट दिया गया अभी लेटेस्ट? लेटेस्ट तो तीन को तो ले ही आए, बाकी को लेके आ रहे हैं। तो जो खदान प्रशासन की ओर से उनको अपडेट दिया गया है कि सभी 14 के 14 लोग हैं वो सकुशल है और पहले चरण में रेस्क्यू करके तीन जो लोग हैं उनको लाया गया है और प्राथमिक उपचार के बाद है उनको जयपुर के लिए रेफर किया गया है। हमारे साथ जो खेतड़ी की प्रधान है मनीषा गुजर, वो भी मौजूद है। क्या कुछ अपडेट है यहाँ खेतड़ी प्रशासन, जो खदान प्रशासन उनकी ओर से दिया जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम को है उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, पूरी टीम लगी हुई है, पूरा प्रशासन, पूरी टीम सब लग रहे हैं और तीन जनों को बाहर निकाला, उनको रेफर कर दिया गया है। हालांकि सब लोगों के सेफ होने की पूरी पुख्ता सूचना है और सब लोगों की दुआएं काम आई कि सारे लोगों को सेफली निकाल लिया, सब मैक्सिमम लोगों की परिजनों से बातचीत भी करवा दी। अभी एक गाड़ी और गई हुई है, वन बाई वन करके जैसे भी वो ला रहे हैं, सब लोग सेफ हैं। तो रात से आप यहाँ पर हैं, किस तरह रात को इंतजाम थे यहाँ? पूरी टीम में तो देखो पूरी लगी हुई है नीचे, वन बाई वन सीढ़ी के माध्यम से कितना गहराई पे वो था तो उनको लाने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि सीधा कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि उसको पूरा निकाला जा सके, ऐसे ही यहाँ पे सब लोगों से इन्फॉर्मेशन हमें मिली। बाकी टीमें पूरी लगी हुई है, प्रशासन पूरा यहाँ पे है। एक विजिलेंस की टीम यहाँ पर आती है, इस तरह का हादसा हो जाता है, क्या कुछ मानते हैं सुरक्षा कारणों में चूक हुई है?
अभी ये तो देखो, हम बाहर खड़े होकर ये बातें नहीं कह सकते। मैं तो इतना मानती हूँ कि पहला ऐसा हादसा हुआ तो हो सकता है कुछ कमियां रही होंगी, तभी हादसा हुआ है, लेकिन आज से पहले यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कतें हुई नहीं है, और भविष्य में भी आज ये सेफ निकले तो मैं तो ये कोल्हान की धरा का वो मानती हूँ कि सब लोग बिल्कुल बिल्कुल सेफ निकले। तो लगातार यह अंदर से है वो अपडेट आ रही है, और जो क्षेत्रीय प्रधान मनीषा गुजर है उन्होंने अपडेट करते हुए बताया कि जो 14 के 14 लोग हैं उनके परिजनों से है उनकी बात करवा दी गई है, और उनके परिजनों तक मैसेज करवा दिया गया है कि वो सभी के सभी लोग जो हैं वो सकुशल हैं, और उस समाचार के बाद परिजनों ने जरूर राहत की सांस ली होगी। और अभी पूरा का पूरा प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट है, एम्बुलेंस है उनको है जो खदान का जो गेट है वहां पर लगाया हुआ है, और जो अंदर जो रेस्क्यू दस्ता है वो पहुंचा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रात को जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए रेस्क्यू दल है वो नीचे उतरा है। जो जानकारी सामने आई है, जो डॉक्टर परवीन और जो अन्य रेस्क्यू दल के सदस्य बाहर आए हैं उन्होंने बताया है कि सीढ़ियों के जरिए हैं उनको काफी गहराई तक उतरना पड़ा है, और फिर उनको जो जीरो लेवल का है वहां पर एक एक करके रेस्क्यू करके लाना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, और फिर जीरो लेवल पर उनको लाया गया, और जिनकी स्थिति ज्यादा गंभीर थी, जिनके ज्यादा इंजरी थी, उनको पहले चरण में रेस्क्यू करके लाया गया है, और प्राथमिक उपचार के बाद उनको है वो जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी के सभी लोग सकुशल हैं, और उनके परिजन हैं उनको सूचना जो है वो दे दी गई है, और साथ ही आगामी फेज जो रेस्क्यू का दूसरा चरण है उसको लेकर जो यहाँ पर जो रेस्क्यू दल और जो कितना जो समय और लगेगा, कृष्ण अभी कितना समय बाकी बचे अधिकारियों को और लगेगा, क्योंकि 12 अधिकारी अभी भी फंसे हुए हैं, और क्या उन सभी को जीरो ग्राउंड लेवल पे लाया जा चुका है, तो जीरो ग्राउंड से बाहर लाने में कितना समय लगेगा अभी? जी, जो डॉक्टर परवीन है उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि जो जो अंदर फंसे हुए जो 11 जो लोग हैं उनको जो खदान का जीरो लेवल का पॉइंट है वहां पर लाया जा चुका है, सभी के सभी सकुशल हैं, और जो उनको वहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। कुछ एक के हाथ और पैरों में जो चोट है उसके बाद जो प्राथमिक ट्रीटमेंट देने के बाद जो रेस्क्यू दल का जो दूसरा दस्ता है वो अंदर है, और वहां से जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करके है वो लाया जाएगा। गेट के ऊपर एक और एम्बुलेंस है उसको यहां पर तैनात कर दिया गया है, तो अंदर से कुछ इनपुट मिला होगा कि शायद थोड़ी देर में जो रेस्क्यू करके जो एक और दो दस्ता है वो बाहर आएगा, और तमाम जो प्रशासन का जो अलर्ट है वो यहां पर है। रात से ही जो नीम थाना SP और जिला कलेक्टर हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार जो अपनी टीम है उससे है वो फीडबैक ले रहे हैं। जी बिल्कुल कृष्ण, अभी क्योंकि कोई अपडेट रिसेंटली नहीं मिल पा रहा है कि अभी कितना समय और लगेगा बाकी बचे अधिकारियों को, और जिस तरह तीनों लोगों को मणिपाल में शिफ्ट किया गया जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में, कृष्ण क्या ये बताएंगे कि जो बचे हुए जितने अधिकारी हैं वहां पर कितनी रेस्क्यू की टीम अभी गई है, और क्या रेस्क्यू की टीम उनको बाहर लेके किस तरह से लेकर आ रही है, और फिर गाड़ी में बैठाकर उनको बाहर लिया जा रहा है, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया जा रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू को लेकर विशेष वाहन है जो इसके जीरो लेवल तक जा सकता है, उस वाहन को है वो खदान के अंदर उतारा गया है, और जो रेस्क्यू को लेकर SDRF टीम के साथ जो स्थानीय 3 टीमें हैं वो लगातार हैं, वो जुटी हुई हैं रात भर से ही, और 13 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। रात को जो SDRF की टीम है वो यहाँ पर करीब 3:15 बजे के आसपास पहुंची थी, उससे पहले यहाँ के जो 3 टीमें थी वो खदान में उतर चुकी थी, और लगातार रेस्क्यू के प्रयास हैं वो किए गए, और जो उनको सफल तरीके से रेस्क्यू करके जो खदान का जीरो लेवल का पॉइंट है वहां पर एक कुशल तरीके से लाया गया, और उसके बाद अभी करीब आधे घंटे पहले जो दूसरा रेस्क्यू दल का दस्ता है वो है अंदर प्रवेश किया था, और उसके बाद यहां पर मुख्य द्वार पर एक अलार्म का सायरन बजेगा, और उसके बाद है गेट खुलेगा, और गेट खुलने के बाद जो अंदर जो रेस्क्यू दल का दस्ता गया है वो बाहर आएगा, और जो एम्बुलेंस है वो पूरी तरीके से
तैनात कर दी गई है और जो यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन और जो चिकित्सा महकमा है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। जी हाँ कृष्ण, इसका मतलब कि आधे घंटे पहले रात से चला ये ऑपरेशन, 13 घंटे बीत चुके हैं। पहली गाड़ी निकली बाहर जिसमें 3 अधिकारी मौजूद थे जो गंभीर हालत में बताए जा रहे थे, और अभी आधे घंटे बीत चुके हैं, दूसरी गाड़ी अभी बाहर नहीं निकली है। इसका मतलब काफी वक्त लग रहा है कृष्ण। जी खदान की गहराई की बात करें तो जो इनपुट मिला है वो ये है कि जो खदान की जो गहराई है वो 1875 फीट है। हाँ। तो जो गहराई है वो ज्यादा होने की वजह से जो इनको सीढ़ियों के जरिए जीरो लेवल पॉइंट पर लाया गया, उस समय वो जो समय लगा था वो ज्यादा समय लगा था, और उसके बाद इनको जीरो पॉइंट पर लाने के बाद है वो इनके परिजनों से है वो बात करवाई गई, और इनको वहां पर है जो फूड पैकेट और जो पानी वगैरह भेजा गया था वो मुहैया करवाया गया था, और उसके बाद जो दस्ता है जिसने जो डॉक्टर साथ गए थे प्रवीण, उन्होंने उनका हेल्थ चेकअप किया, और उसके बाद जो गंभीर थे जिनके हाथ और पैरों में ज्यादा चोटें थी उनको पहले रेस्क्यू करके बाहर लाया गया, और उसके बाद जो उनको है यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, फिर उनको है जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया गया है। अभी जो दस्ता है वो करीब आधे घंटे का समय हो गया वो अंदर पहुंचे हुए हैं, और वहां से रेस्क्यू करके जो बाकी के सदस्य हैं उनको लाया जाएगा। जी कृष्ण, क्या जो बाकी बचे अधिकारी हैं वहां पे डॉक्टर्स भी मौजूद है, क्योंकि जीरो ग्राउंड पे जिन अधिकारी लोग अभी जिनको लाने की कोशिश की जा रही है उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है क्या? जी हाँ, आपको बता दूं कि जो शुरुआत में जो 3 टीमें उतरी थी उनमें पहली टीम में 8 सदस्य थे, दूसरी टीम में 6-6 सदस्य थे, उनके साथ जो खेतड़ी का जो उप जिला अस्पताल है उनके डॉक्टर्स थे, साथ ही इनका जो खेतड़ी का जो केसीसी प्रोजेक्ट है इनका अस्पताल है उसके डॉक्टर्स भी थे। तो डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ है वो जीरो लेवल पर मौजूद है, और वहाँ पर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो जीरो लेवल पर ही उनको जो है दिया गया है। जी बिल्कुल कृष्ण, क्योंकि जिंदगी की जद्दोजहद में 13 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद जिंदगी आखिरकार जीत गई, 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, और जिस तरह आप बता रहे हैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट से ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बाकी लोग सकुशल है, और जल्द ही एक जो गाड़ी अंदर गई है रेस्क्यू की वो जल्द ही वापस लौटेगी, और 14 लोगों का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। कृष्ण, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कितनी देर में वो सायरन बजेगा और गेट खुलेगा और एक रेस्क्यू की गाड़ी फिर बाहर निकलेगी अधिकारियों को लेते हुए? जी यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि पूरे सुरक्षा जो मानक है उनको वहां पर पूरा किया जाए, जो व्हीकल जो अंदर गया है वो वहां पर जो उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसके होने के बाद है उनको रेस्क्यू करके जो बाहर है वो लेकर आया जाएगा, और जो है एम्बुलेंस है वो है पूरी तरीके से अलर्ट है, 2 एम्बुलेंस मुख्य द्वार है उस पर अलर्ट है, तो कुछ ही दूरी पर एक एम्बुलेंस है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर लगा दी गई है, साथ ही जो अधिकारी हैं वो गेट के ऊपर पुलिस के अधिकारी हैं वो भी लगातार अपडेट जो है वो अंदर से ले रहे हैं, और जो अपडेट आ रही है उसके तौर पर ही यहाँ पर जो तैयारियाँ और जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर जो तैनात जो पुलिस प्रशासन और जो चिकित्सकीय दस्ता है वो कर रहा है, और लगातार परिजन है वो भी यहाँ पर जो मुख्य द्वार है उस पर जो है बैठे हुए हैं, और अपने जो परिचित मिलने वाले या जो उनके परिजन है उनके आने का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ये लोग हैं वो खदान के मुख्य द्वार है वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, और जो मान लो कि इनके लिए बड़ी राहत की बात ये है कि सभी लोग जो सकुशल हैं और इनको है वो सूचना है वो मिल चुकी है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि 13 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद अचानक से जो लिफ्ट की चेन टूटी और 1875 गहरी खाई में जाकर जब वो बाहर निकल रहे थे धड़ाम से गिर गए। 13 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद कृष्ण सब कुछ सकुशल है, सब सुरक्षित है, इससे बड़ी खबर कोई और हो नहीं सकती है। फिलहाल फंसे हुए सभी लोगों के पास रेस्क्यू टीम मौजूद है और वहां पर डॉक्टर प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, बचे हुए अभी 12 अधिकारी खदान के अंदर हैं, सभी को जीरो ग्राउंड पे। लेकिन कृष्ण अभी भी यह सवाल है, जीरो ग्राउंड से प्राथमिक उपचार में क्या इतना समय लग रहा है, क्योंकि 12 घंटे हैं आप बता रहे हैं तमाम डॉक्टर्स वहां पे मौजूद हैं, रेस्क्यू की एक गाड़ी अंदर गई है, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका अभी तक बाहर नहीं निकले हैं।
जी मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर प्रवीण अंदर गए थे उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि जो जीरो लेवल का पॉइंट है उससे 76 फीट नीचे है वो है, वो लिफ्ट में ये लोग फंसे हुए थे और वहां से इनको सीढ़ियों के जरिए है वो रेस्क्यू करके लाया गया था। और उस रेस्क्यू का जो समय था वो बड़ा ही क्रिटिकल समय था क्योंकि वो उनमें बहुत सी कठिनाइयां हैं वो इन लोगों को फेस कर। और अपनी बात बताते बताते कृष्ण अगर परिवारजन वहां पे मौजूद हैं जो अधिकारी फंसे हुए उनके, उनसे भी रिएक्शन आप ले लीजिए। फिलहाल लग रहा है जो अंदर हाँ। लोग फंसे हुए हैं, क्या कुछ इनपुट आया है? तीन लोगों को निकाल लिया गया है, बाकी अभी मेरे हिसाब से 1 घंटा सवा घंटे में बाकी को निकाल लिया जाएगा। तो अभी क्या कुछ अपडेट दिया गया आप लोगों को? हमें तो यही बताया गया है कि सभी सकुशल हैं, कोई छोटी मोटी चोटें हैं, इसके अलावा सब ठीक है। तो और क्या जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे इस तरह का हादसा? ये हादसा इतना बड़ा हादसा पहली बार हुआ है और ये जो केज है ये 2 दिन से ख़राब चल रहा था, इन्होंने सुबह ही रिपेयर किया था कल, मगर वो बाद में शाम को वापस ख़राब हो गया। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि ये जो लिफ्ट का जो केस था ये 2 दिनों से जो परिजन है वो बता रहे हैं कि खराब था और उसके बाद जो कल ही है वो सुबह इसको रिपेयर किया गया था और शाम को इसी ये जो केज है उससे जो अधिकारी हैं जो कोलकाता से जो विजिलेंस टीम आई थी उसके साथ स्थानीय अधिकारी हैं वो उतरे थे और ये उसका रस्सा टूटने से ये हादसा हुआ था। जी तमाम कितने लोग, क्योंकि 14-15 अधिकारी कृष्ण बताए जा रहे हैं विजिलेंस करने के लिए नीचे गए थे और बाहर आ रहे थे विजिलेंस करके तभी हादसा हुआ। परिवार लोग कितने मौजूद हैं, क्या सभी के परिवार वहां पर मौजूद हैं 15 के 15 अधिकारियों के? जी मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ का जो स्थानीय जो अधिकारी हैं उनके परिवार हैं वो यहाँ से कुछ दूरी पर ही केसीसी टाउनशिप है वहाँ पर सभी के जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके परिवार हैं वो रहते हैं। जो कोलकाता से विजिलेंस की टीम आई थी उनके जो हैं परिवारजन है वो अन्यत्र रहते हैं। तो यहाँ के जो परिवारजन है वो अधिकांश लोग आप देख सकते हैं कि किसी के परिचित है, किसी के परिवारजन है वो लगातार इस बैरिकेटिंग के बाहर है, वो अपने जो परिवारजन है उनके आने का सकुशल आने का इंतजार कर रहे हैं और रात से ही यहाँ पर ये लोग हैं वो डटे हुए हैं। किस तरह क्या अपडेट है आप लोग यहाँ पर हैं? अभी देखिए परिजन हैं वो भी कुछ बोलने से है वो बच रहे हैं और लगातार अपने जो जो है परिजन अंदर फंसे हुए उनके आने का है वो इंतजार है। तस्वीरों के साथ साथ कृष्ण ये भी रिएक्शन लीजिए कि जब इनको खबर कैसे पता चली और जब खबर पता चली तो क्या रिएक्शन था इनका, कब ये पहुंचे और अभी दिल की धड़कनें क्या कह रही है इनकी? इंतजार की घड़ी जो होती है वो कृष्ण बहुत लंबी होती है, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका, दूसरी गाड़ी अभी बाहर नहीं निकली है। कृष्ण किस तरह क्या इस हादसे को लेकर किस तरह क्या जानकारी? बता सकता था ही नहीं, जानकारी किस तरह क्या मिली आपको? कोई जानकारी अभी यहाँ कुछ लोग और मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस हादसे को लेकर किस तरह क्या जानकारी मिली आपको? सर अभी तक 3 लोगों को निकाल लिया गया नहीं, है। कल किस तरह क्या जानकारी मिली कि यहाँ हादसा हो गया है? सर इन्होंने HCL प्रशासन ने किसी को जानकारी नहीं दी, इन्होंने एम्बुलेंस को सूचना हुई, एम्बुलेंस के सूचना होने के बाद में मीडिया कर्मियों को पता लगा सोर्सों से, तब जाके इसका खुलासा हुआ, इन्होंने कोई सूचना नहीं दी प्रशासन को। तो जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से जो एम्बुलेंस है 108 उसको सूचना दी गई, एम्बुलेंस के जो कर्मी हैं उनकी ओर से जो मीडिया से जानकारी साझा की गई, उस मीडिया में खबरें आने के बाद है परिजनों को है वो जानकारी मिली कि जो कोलियान खदान है उसमें इस तरह का हादसा हुआ है। फिर जो खदान थे उनको लेकर लगातार उनके परिजन अपडेट लेते रहे और जो अपडेट बात आने करते के करते है, कृष्ण अगर इस रेस्क्यू को जो लीड कर रहे हो अधिकारी, बड़े अधिकारी अगर बाहर मौजूद हो तो उनसे भी आप रिएक्शन ले सकते हैं कि कितनी देर में वो फाटक खुलेगा, सायरन बजेगा जब दूसरी गाड़ी निकलेगी अधिकारी को लेते हुए। जी मैं यहाँ पर जो रेस्क्यू के ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं उन अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ।
फिलहाल ये तस्वीर जब तक कृष्ण जा रहे हैं अधिकारी के पास रिएक्शन लेने के लिए, आपको बताते चलें कि ग्राउंड जीरो से लगातार ये लाइव तस्वीरें हम आपको झुंझुनू के खेतरी की बता रहे हैं, जहां राजस्थान में भारत कॉपर लिमिटेड, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं बता दूं कि जो एम्बुलेंस का दस्ता है वो अलर्ट हुआ है और शायद अंदर से इनपुट आया है कि दूसरे चरण का रेस्क्यू है वो करके कुछ लोगों को है वो बाहर लाया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मुख्य द्वार है वहां पर अलर्ट हुए हैं और जो वहां पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो अंदर से इनपुट ले रहे हैं और उसके बाद जो क्या कुछ इनपुट मिलता है उसके बाद है ये यहाँ पर इस द्वार को खोला जाएगा और उसके बाद एम्बुलेंस है वो यहाँ पर तैनात है। एम्बुलेंस के जरिए उनको है वो यहाँ के उप जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जाएगा। जी बिल्कुल, और एक तरफ हम आपको, आप बिल्कुल नजर बनाए रखिए, कैमरा का फोकस बिल्कुल बनाए रखिए वहां पर कृष्ण, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने लोग बाहर निकले। फिलहाल दूसरी तस्वीर में हम आपको भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री का ये अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ये ट्वीट करके ये बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं प्रभु से इस हादसे में घायल सभी नागरिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ व खदान में फंसे लोगों के सकुशल बाहर आने की कामना करता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झुंझुनू के क्षेत्र में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से हादसे की सूचना प्राप्त हुई। फिलहाल लगातार ग्राउंड से जुड़े हुए कृष्ण, कृष्ण क्या कोई जानकारी अभी? अभी जो मुख्य द्वार पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात है वो लगातार अंदर से है वो इनपुट ले रहा है और यहाँ गेट के ऊपर एकाएक है वो हलचल बढ़ी है और जो एम्बुलेंस जो तैनात है उनके जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं, तो संभवतः अंदर से जो इनपुट है वो यही होगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के जो कर्मी है उनकी हलचल है वो एकाएक बढ़ी हुई है, तो शायद अंदर से आप पल पल की अपडेट देते रहिए, हम आपसे फिर से अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, सभी फंसे लोग सकुशल हैं, सुरक्षित हैं, तीन अधिकारियों को बाहर निकाल लिया गया, रेस्क्यू लगातार जारी है। और इस बीच में सीकर से बड़ी खबर भी ये निकल कर आ रही है कि खून चढ़ाने के बाद महिला की मौत मामले में अपडेट ये है कि महिला के परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सीता ब्लड बैंक के संचालकों के खिलाफ ये मुकदमा परिवारजनों ने दर्ज कराया। अस्पताल के डॉक्टर हेमंत कटारिया के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया गया है। खून चढ़ाने के बाद इलाज के दौरान हुई गर्भवती महिला की मौत हो गई थी इलाज के दौरान, क्योंकि उसको गलत खून चढ़ा दिया गया था, इन्फेक्टेड खून चढ़ा दिया गया था। महिला के बच्चे की भी जन्म से पहले पेट में ही हो गई थी मौत। दो महिलाओं भी हालत गंभीर बताई जा रही। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।